हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर्स टीवी के एक नए अपकमिंग शो के बारे में, जो कि शकुंतलम टेलीफिल्म्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आ रहा है। तो गाइज, ये वही शो है जिसका हिस्सा पहले टीना दत्ता होने वाली थी, जिसमें वो पहले फीमेल लीड प्ले करने वाली थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो शो से ऑप्ट आउट कर चुकी हैं, शो से बाहर आ चुकी हैं। तो उनकी जगह अब जो फीमेल लीड प्ले कर रही हैं वो है नायरा बैनर्जी, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया था। टीना दत्ता ने एग्जिट करा बिकॉज उन्हें करेक्टर या शो की स्टोरी पसंद नहीं आई। एनीवेज, नायरा बैनर्जी का जो करेक्टर होने वाला है, उनके करेक्टर का नाम होने वाला है रानी और शो का नाम होने वाला है पिशाचिनी। तो गाइज, अब हम बात करें शो किस तरह का होने वाला है, तो एक सुपर नेचुरल थ्रिलर होने वाला है। तो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट होने वाला है इस शो का, और इसमें पिशाचिनी यानी कि रानी का रोल प्ले करने वाली है नायरा बैनर्जी, मेन फीमेल लीड इसमें प्ले करने वाली है। यानी कि इस सुपर नेचुरल शो में जो सुपर नेचुरल बींग होंगी वो नायरा बैनर्जी उस रोल को निभाने वाली हैं। अब हम बात करें सेकेंड फीमेल लीड की, तो सेकेंड फीमेल लीड जिया शंकर प्ले कर रही हैं और उनके करेक्टर का नाम होने वाला है पवित्रा। जिया शंकर का ये कहना है कि उन्होंने पहले जितने भी करेक्टर्स प्ले करे हैं दूसरे अलग अलग शोज़ में, ये वाला करेक्टर उनसे काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस करेक्टर को प्ले करने के लिए। शो की स्टोरी की बात करें तो कहानी जो है बरेली में सेट होगी, तो बरेली में सुपर नेचुरल थ्रिलर सेट होगा, जहाँ पर पिशाचिनी जो है अनलीज्ड हो जाएगी और उसके कारण चारों ओर डार्कनेस, फियर, डर वगैरह फैल जाएगा, और उसकी जो रियल फॉर्म है, रियल जो अंदर का नेचर है, वो सिर्फ पवित्र ही पहचानती है। तो अभी के लिए ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन स्टोरी कॉन्सेप्ट का आइडिया मैंने आपको दे दिया है। शो का नाम पिशाचिनी होने वाला है ये आपको बता दिया है, और शो का प्रोमो आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। सुपर नेचुरल थ्रिलर ये शो होने वाला है, तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर इसको ढंग से पोर्ट्रे किया जाए, अगर ढंग से दिखाया जाए, तो डेफिनेटली एक अच्छा और इंटरेस्टिंग शो हो सकता है। नायरा बैनर्जी का ये कहना है कि ये वो जो करेक्टर प्ले कर रही हैं रानी का, उनके सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स में से एक है। पिछले उन्होंने जितने भी करेक्टर्स प्ले किए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये करेक्टर है, और उनका ये कहना है वो थैंकफुल है कलर्स से और शो के मेकर से कि उनमें बिलीव करके उन्होंने उनको एज मेन फीमेल लीड रोप इन किया इस शो में। तो आने वाले दिनों में इस शो पर सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी हमारे चैनल पे, यानी कि टाइम स्लॉट, कौन से दूसरे शो को ऑफर करवाए गए, यानी कि किसको रिप्लेस करेगा, ये सारी डिटेल्स आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। तो चैनल से जरूर जुड़े रहिए, बाकी कौन स्टारकास्ट का हिस्सा होने वाले हैं और स्टोरी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए एक्साइटेड हैं फिर नहीं, शो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, इस सुपर नेचुरल अपकमिंग शो के लिए आप एक्साइटेड हैं फिर नहीं, और इसकी और कलर्स टीवी की सारी अपकमिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।